सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो वीडियो थंबनेल और टाइटल को देख के पता चल गया होगा आज किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं साल में लगभग 2019 से मैं साल में दो बार या फिर साल में एक बार मैं जाता हूँ बैंगलोर अपने हेल्थ चेकअप के लिए। तो यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने जब विज़िट किया, 16 तारीख को मैंने बैंगलोर की ट्रेन पकड़ी थी और उस ट्रेन में मेरे साथ हो गया एक इंसिडेंट। तो यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपने IRCTC से अपना टिकट लिया है और आपके साथ हो रहा है कुछ, जो फैसिलिटीज़ जो है आपको नहीं मिल रहा है और जो उसके लिए आप चार्जेस पे कर रहे हो, या फिर आपको वही फैसिलिटीज़ को लेने के लिए आपको ट्रेन में पैसा अगर एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ रहा है, या फिर कुछ भी सर्विस जो है आप अच्छे तरीके से आपको जो है नहीं दिया जा रहा है, तो इस सिचुएशन में आप कैसे जो है कंप्लेन रेज कर सकते हो IRCTC की सर्विस को लेके, या फिर कुछ भी अगर इशू होता है लाइक केटरिंग जो सर्विसेज होता है, आपको खाना सही ढंग से नहीं दिया जा रहा है, खाने में कुछ इश्यूज है, या फिर स्टफ रिलेटेड कुछ इश्यूज है, किसी के नाम पे कंप्लेन रेज करना है, तो कैसे कंप्लेन रेज करोगे इस वीडियो में इन डिटेल बताएंगे। तो मेरे साथ हुआ क्या, मैं 16 तारीख को ट्रेन पकड़ा दुरंतरो एक्सप्रेस जो कि है हावड़ा से यशवंतपुर जाता है, तो वो ट्रेन को मैंने पकड़ा था। और नेक्स्ट डे जो सेकेंड डे होता है ट्रेन में, वहाँ पे जब लंच की टाइम हो गया था, तो लंच सर्व करने का टाइम होता है 1:15 से 2:45 तक। तो यहाँ पे हो रहा था लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, सारा कुछ टाइम से नहीं हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा लेट कर रहा था। तो यहाँ पे जो लंच की टाइम हुआ 3 बज चुका था, लेकिन हमें जो है लंच सर्व नहीं किया गया था। तो मैंने टिकट बुक किया था विथ फूडिंग के साथ और आपको 1:00 से 2:45 के अंदर ही आपको जो है फूडिंग सर्व किया जाता है लंच का, तो मेरे साथ नहीं हो रहा था। लगभग सारे कंपार्टमेंट के लोगों को खाना तो लेट से ही दे दिया गया था, लेकिन मेरे पास जो है खाना आया ही नहीं। तो यहाँ पे मैं जब जो केटरिंग का सर्विस का जो होता है, जो अटेंडर होता है, उनको बोला कि मेरा खाना अभी तक क्यों नहीं आया, तो उसके बाद भी लगभग आधा घंटा हो गया मेरे पास कुछ भी खाना सर्व नहीं किया गया था। तो उस टाइम पे मैंने कंप्लेन रेज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने गूगल पे सर्च किया था कि IRCTC का जो दुरंतो एक्सप्रेस होता है उसमें लंच ब्रेकफास्ट का टाइम कितना समय का होता है। तो उसके बाद जब भी टाइम वो क्रॉस कर गया, मैं उस अटेंडर को जाके बोला कि मेरा खाना अभी तक क्यों नहीं आया, वो उसके तरफ से कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो इस सिचुएशन में मैंने किया है कंप्लेन और कैसे किया है आपको दिखाऊंगा, पूरा डिटेल से दिखाऊंगा। अगर आप एक बार कंप्लेन करते हो तो खुद मैनेजर आके आपका प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व करेगा, जो IRCTC की तरफ से उसी ट्रेन में मौजूद रहता है। तो यहाँ पे मैंने किया है ट्वीट, IRCTC ऑफिशियल को आपको टैग करके करना होगा ट्वीट, और आपका जो भी इश्यूज है उस इश्यूज को डिस्क्राइब करके वहाँ पे आपका PNR नंबर जो है आपको देना होता है। तो उसके बाद IRCTC ऑफिशियल के तरफ से मेरे पास यहाँ पे देख सकते हो मैंने ट्वीट किया है, और उसके बाद तुरंत ही मेरा ट्विटर अकाउंट पे DM आया IRCTC ऑफिशियल के तरफ से। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर मांगा गया, तो मैंने वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दिया, और उसके बाद तुरंत ही मेरे मोबाइल नंबर पे मैसेज आया कि एक कंप्लेन रेज हुआ है मेरे नंबर से, मेरे PNR नंबर से IRCTC सर्विस को लेके। तो उसके बाद तुरंत ही मेरे पास उस सर्विस जो मैनेजर होता है उस ट्रेन का IRCTC केटरिंग सर्विस के तरफ से, उस मैनेजर का कॉल आया और वो तुरंत मेरे पास पहुंच गया और मेरा इशू को अच्छी तरीके से जो है सुना, और तुरंत ही मुझे खाना प्रोवाइड कर दिया गया और क्या इश्यूज हुआ था मुझे एक्सप्लेन किया गया है। और उसके बाद जो है तो मेरे सर तरफ से जो सेटिस्फेक्शन का जो है एक ट्वीट फिर से करना पड़ा उसी ट्वीट को रिट्वीट करके। तो आप भी अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है, कुछ भी सर्विस रिलेटेड अगर कुछ भी इश्यूज आप फील कर रहे हो, तो आप तुरंत ट्वीट कर दीजिए, या फिर इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है, अगर आप अपना पहचान छुपा के ये करना चाहते हो, सिर्फ आप उस वेबसाइट में जाके अपना PNR नंबर देके, डेट एंड ट्रैवल टाइम देके आप कंप्लेन रेज कर सकते हो। तो इस वीडियो की एंड में मैं वेबसाइट का पोर्टल भी आपको दिखा दूंगा आपको कैसे कंप्लेन रेज करना होता है। लेकिन क्या होता है, जब
हम सफ़र करते हैं ट्रेन में, तो वहाँ पे इतना अच्छे नेटवर्क तो अवेलेबल रहता नहीं है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आप डायरेक्टली ट्वीट कर दीजिए, ये सबसे आसान और सिंपलिस्टिक तरीका है आपको कंप्लेन रेज करने का। आप ट्वीट कर दीजिए, पीएनआर नंबर अपना मेंशन कर दीजिए, क्या इशू है आप बोल दीजिए, और आपका हो सके तो मोबाइल नंबर भी दे दीजिए, या फिर आप मोबाइल नंबर शेयर ना भी कर सकते हैं, वो लोगों के तरफ से जो है आपको डीएम आ जाएगा, तो उस डीएम में आप अपना मोबाइल नंबर शेयर कर सकते हैं। ये दोस्तों आपका हक है, अगर आप किसी के लिए पैसा पे कर रहे हो उस सर्विस को आपको प्रोवाइड करना IRCTC का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको वही सर्विस अच्छी तरीके से सर्व किया जाए। तो अगर आप ट्वीट नहीं करना चाहते हो तो आप वेब पोर्टल से भी आप कंप्लेंट रेज कर सकते हो। तो यहाँ पे इस वेबसाइट में आपको आना है, इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप उसी डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली आ सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों कंप्लेंट रेज करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली आपका एक एक्टिव मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देना है, उसके बाद OTP से ऑथेंटिकेट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे PNR नंबर देके आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है किस रिलेटेड आपका कंप्लेन है, उसके बाद यहाँ पे सब टाइप आपको यहाँ पे देना है, और इंसिडेंट डेट कौन सा डेट हुआ है। अगर आपका सफ़र ख़त्म हो गया है, आप दूसरे दिन पे कंप्लेन रेज कर रहे हो, तो आप भी कंप्लेन तब भी आप रेज कर सकते हो। और उस कंप्लेन की अगेंस्ट अगर कुछ फाइल्स है, या फिर आप मान लीजिए कुछ फ़ोटोज़ आपने क्लिक किया है, कुछ भी अगर क्लिक किया है, तो आप यहां से वो फाइल को अपलोड कर सकते हो और अपना कंप्लेन का डिस्क्राइब करके यहां पे लिख सकते हो। उसके बाद आपके नंबर पे जो है एक स्टेटस चेक करने का नंबर आपको मिल जाएगा, और उसके बाद उस कंप्लेन को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और आपको जो है रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसे सिचुएशन में पड़ते हैं तो आप इसी तरीके से अपना प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर या फिर दोस्त सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में, तो ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम उनके साथ फेस हो रहा है तो कैसे उसे रिजॉल्व करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड विथ रेली ऑन।